छतरपुर के छत्रसाल चौक के समीप मौजूद जिला अस्पताल परिसर की 13 दुकानों को तोड़कर इस स्थान पर सौंदर्यीकरण कराए जाने की प्रशासनिक तैयारियों पर पानी फिर सकता है। दो दिन पहले ही प्रशासन ने रेड क्रॉस द्वारा किराए पर दी गई इन दुकानों के किराएदारों को नोटिस थमाकर दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। इन नोटिसों को पाकर दुकानदार घबराए हुए थे। अब कुछ दुकानदार हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं। हालांकि ये स्टे अब तक प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में दुकानें टूटेंगी या फिर बचेंगी, इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है। 2 अक्टूबर को छुट्टी का दिन होने के बावजूद इन 13 दुकानों के दुकानदारों ने एक बार फिर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर स्टे की कॉपी और ज्ञापन सौंपते हुए दुकानों को तोड़ने से मना किया। इस दौरान पूर्व विधायक ललिता यादव भी मौजूद रहीं। एसडीएम बलबीर रमण ने दुकानदारों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण जरूरी है, अगर दुकानदारों को अपनी दुकानें छोड़नी पड़ी तो उन्हें नए सिरे से दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। एक दुकानदार प्रदीप त्रिपाठी ने कहा कि इन्हीं दुकानों से उनके परिवार की रोजी रोटी लगी हुई है, इसलिए दुकानों को न तोड़ा जाए। आज महोदय एसडीएम साहब के सामने और माननीय मुख्य ललिता मैडम जी के सामने हम लोग ने अपनी बातें रखी हैं कि जो ये प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है बहुत गलत किया जा रहा है, इस पर हम लोग को सहानुभूतियाँ और आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें वो प्रदान करें। और चूँकि कई मेडिकल वाले हैं जो दुकानदार हैं, उन लोगों को स्टे मिला हुआ है न्यायालय से, तो उस चीज़ का सम्मान करते हुए अभी ये जो परिस्थितियां बनाई गई हैं कि तोड़ी जाएँ, इन चीज़ों को समझते हुए प्लीज़ रोका जाए, इसके लिए हम लोग ने निवेदन किया है, परिस्थितियों को अवगत कराया है कि भाई हम लोग के बहुत कुछ यानी फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, हमारे यहाँ जो लड़के काम करते हैं उनकी भी फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई परिस्थितियाँ हमारी समझी जाए, हमें समय दिया जाए और जो चीज़ प्रशासनिक तौर पर किया जा रहा है उस चीज़ को न्यायालय करे तो उचित होगा। आप लोग इस तरीके के कदम ना उठाएं, मैं इस चीज़ का निवेदन कर रहा हूँ। जी कहा तो जा रहा है मगर लिखित तौर पर ये चीज़ें कौन ना मानी जाएंगी। भाई मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 13 परिवार भी तो खड़े हैं, उनका भी कुछ सोचना है, उनका समझना है। अगर वो चीज़ें हम जैसे लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि न्यायपूर्वक एक बैठक हो, सभी लोगों से पूछा जाए, सही लोगों को जानकारी दे दी जाए, तो हम लोग एग्री हैं। भाई सौंदर्यीकरण की बात आ रही तो हम लोग उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते, हम लोग खड़े हैं हर चीज़ के लिए खड़े हैं, मगर हमारी भी समस्याओं को देखते हुए हमारी चीज़ों को रखा जाए, सब सामने सुना जाए, तब तो उन चीज़ों को डिसाइड करें कि भाई क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं यही चीज़ के निवेदन कर रहा हूँ सभी से कि भाई ऐसा ना किया जाए। बस एसडीएम साहब के पास आए थे निवेदन करने के लिए सर, के हमारी दुकानों को टाइम दिया जाए हम लोगों को, और आपको अगर ये दुकानों की ज़रूरत है तो सर हम आप लोगों के साथ में, और ये दुकानों के पीछे ही हमको ये दुकानें बनाकर दे दी जाएँ, मेरा यही निवेदन है। यहाँ तो सर वो कुछ नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम, मैं इसलिए मैं कोई आश्वासन नहीं देता हूँ और ना मैं कोई टाइम दूंगा, मुझे तो गिराना है।